हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंबोसर पर। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 11th के सब्जेक्ट भूगोल यानी ज्योग्राफी के वार्षिक पेपर, जो कि 2023 में आपके एग्जाम में आने वाला है। और इसमें जितने क्वेश्चन देखेंगे, आपके सारे क्वेश्चन अभी तक कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चन को इस पेपर में रखा गया है। तो जितने क्वेश्चन देखेंगे, सभी क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। और कोशिश करिएगा सभी क्वेश्चंस को आप एक अलग से नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसके बाद उसके सॉल्यूशन लिख करके याद कर लीजिएगा। बाकी इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए। इसके अलावा मैं आपको क्लास जो 11th के आर्ट साइड और साइंस साइड सारे सब्जेक्ट कवर करा चुका हूँ, तो आपको वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वार्षिक परीक्षा 2022-23 विषय आपका भूगोल हो गया कक्षा 11, पूर्णांक आपके कितने हो गए, 7 नंबर। ठीक है, ये आपके चेंजेस हो सकते हैं। अगला जो देख रहे हैं, समय आपका 3 घंटे है, पूर्णांक आपके 60 हो गए। और सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन में यहाँ पे ऊपर देखो, अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक करके आप यहाँ पे जो नोटिस आपको दे रखा है, नोट दे रखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का दे रखा है, आप इजिली यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उस पर चलते हैं सीधा। पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, नई शिक्षा नीति के तहत आपके जो ये मार्क्स हैं, ये आपके चेंज हो सकते हैं। तो इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि हमारा तो इतने पेपर का आता है, तो इतने नंबर का आता है। तो पहला जो प्रश्न देख रहे हैं हम, बोला है भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान का नाम क्या है। चार ऑप्शन आपको दे रखा है, हेरोडोटस, गैलीलियो, इरे स्थनिज और अरस्तु। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका, भूगोल की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है भूकंपीय तरंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वालामुखी और पृथ्वी का चुंबकत्व। तो इनमें से जो ऑप्शन वाले हैं, इनका आप पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे को। अगला जो प्रश्न देख रहे हैं, बोला है पृथ्वी की आंतरिक मुख्य प्लेट नहीं है। कौन सी प्लेट नहीं है, काकोस, प्रशांत प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट या फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो चार ऑप्शन है, चारों में से जो आपको ठीक लगता है उसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और उससे पहले एक चीज जो बार बार मैं कंफर्म करते रहता हूँ बीच बीच में कि रिकॉर्डिंग ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है। तो चलते हैं अब वापस पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी सॉल्यूशन इसका बहुत जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इसमें आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। चार ऑप्शन है, चारों में से जो आंसर ठीक लगता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। पहला ऑप्शन विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 दक्षिणी अक्षांश और 66.5 उत्तरी अक्षांश। तो ये थे आपके 5 MCQ जो कि आपके एक एक नंबर के आने वाले। तो टोटल 5 नंबर आपके यहाँ से मिलेंगे। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 6 बच्चों आप देख रहे हैं, इसको हम फुल स्क्रीन में ले लेते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछा है, तो आपको पता है अक्षांशीय और दूसरा क्या है, देशांतर हो गया। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार लिखना है आपको। तो आई नो आप लोगों ने स्कूल में इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 7, बोला है भारत के 3 प्रमुख दर्रों के नाम लिखिए। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 8, भावर और त्राई में क्या अंतर है। प्रश्न नंबर 9 है, अफवाह तंत्र किसे कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत बार अभी तक, मतलब प्रीवियस एग्जाम में अभी तक ये आपके कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों आप, वो है प्रश्न नंबर 10। इसमें कहा है, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी क्यों होती है। तो आपको रीजन देना है कि क्यों होती है। अगला जो प्रश्न देख रहे हैं बच्चों आप, वो है मौसम और जलवायु के तत्वों के नाम लिखिए। क्या बताना है आपको, मौसम और जलवायु के तत्वों के नाम बताने हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर कौन सा, 12, भूगोल के विषय क्षेत्र का आकलन कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, क्रमबद्ध उपागम से क्या तात्पर्य है, इसकी दो उप शाखाओं के नाम लिखिए। क्लियर है। अगला जो प्रश्न देख रहे हैं बच्चों आप, प्रश्न नंबर 14, पृथ्वी के केंद्रीय या करोड़ भाग को समझाइए। प्रश्न नंबर 15 है, अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 16 है, और इन सभी क्वेश्चन के आंसर बच्चों आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। तो पहले आप क्वेश्चन पेपर को समझ लीजिए, इनमें से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को पहले से पता होंगे। जिनके नहीं पता होंगे, जब आपको सॉल्यूशन मिलेगा तो आप वहां से सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है,
भूकंपीय लहरें कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 17 है, अवसादी चट्टानों की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 18 है, भौतिक अपक्षय एवं रासायनिक अपक्षय में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 19 है, भूस्खलन से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है, किसी एक परत की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 21 है, मानचित्र का, अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, मानचित्र की जगह क्या आएगा, भारत। ठीक है, भारत का मानचित्र खींचते हुए भारत की मिट्टियों का क्या कीजिए, वर्गीकरण कीजिए, वर्गीकरण कीजिए। और फिर उसके बाद बोला है तथा किसी एक प्रकार की मिट्टी की विशेषताओं को भी आपने बताना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, भारत का मानचित्र खींचते हुए उत्तर भारत की नदियों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 23 बोला है, इन पर टिप्पणी कीजिए, पहला है आपका सामाजिक वानिकी, दूसरा है आपका प्रोजेक्ट टाइगर, इन दोनों पर आपने क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी, यानी इनके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 24 है, तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, यानी तापमान को यानी टेम्परेचर को कौन कौन से मतलब कौन कौन सा उसको प्रभावित करता है, ठीक है, कौन कौन उसमें चेंजेस ला सकता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 25 है, अपचय के मुख्य कारकों का वर्णन कीजिए। लास्ट प्रश्न है, इसको आपने कहाँ दिखाना है, भारत के नक्शे में दिखाना है। पहला आपको जो दिखाना है वह है आपका समुद्र तटीय मैदान, दूसरा आपकी नर्मदा नदी, तीसरा आपका कंचनजंगा, ठीक है, और उसके बाद चौथा जो है वह है कांजीरंगा पार्क, और लास्ट जो आपको दिखाना है वह है वन मृदा क्षेत्र। तो टोटल इतने क्वेश्चन आपके वार्षिक पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। कोशिश करिएगा इन सभी क्वेश्चंस को तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, प्लस इसके अलावा मैं अभी आप लोगों को टॉप 30 क्वेश्चन भी जल्दी दे दूंगा, ठीक है, भूगोल के। एक तो मैं आपको पेपर दे रहा हूँ, प्लस उसके साथ सॉल्यूशन उसका, और प्लस टॉप 30 क्वेश्चन, अगर आप इन्हें भी पढ़ लेते हैं तो आपके अच्छे खासे मार्क्स, यानी अगर 60 नंबर का पेपर है, ठीक है, ये चेंजेस मार्क्स आपके यहाँ चेंज हो सकते हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू हुई है तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कुछ बढ़ाए गए हैं, तो इसमें चेंजेस हो सकता है। अगर मान लो आपका 60 नंबर का पेपर है, तो अगर आप इतनी चीजें जो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, तो आपका आराम से 50+, ठीक है, 45 to 55 के बीच मार्क्स आपके यहाँ से मिल जाएंगे, सिर्फ अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं। मान लो पूरे साल आपने नहीं पढ़ा और लास्ट में सिर्फ आप ये इतने थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते, तो आपके इतने अच्छे खासे मार्क्स आपके देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करते रहिए, कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डालिए। आपको अगर आपने चैनल से पहले जुड़े हुए हैं, अगर आप चैनल से पहले जुड़े हुए हैं तो आपने जरूर देखा होगा कि अगर आपकी कोई कमेंट आई है तो उसका रिप्लाई आपको जरूर मिला होगा, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट, चाहे वो आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, लगभग आपके सारे सब्जेक्ट में आपके टॉप 30 क्वेश्चन दे चुका हूँ, यही आपका लास्ट सब्जेक्ट बचा हुआ था भूगोल के, इसके अलावा लगभग सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी है, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, या फिर ऊपर आई बटन पर भी आप क्लिक करके उन प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं सीधे। तो आप सभी को बेस्ट विशेस आपके फाइनल एग्जाम के लिए, वार्षिक पेपर के लिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए और सभी अच्छे अच्छे नंबर लेकर के आइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।